सर दोस्तों कुंडली भाग्य के आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है, जब आप लोग देखेंगे कि किस तरीका से करण बोलते हुए नजर आने वाले हैं और करण ये बोलेंगे इस समय निधि से कि निधि कभी भी मेरे सामने प्रीता का जिक्र मत करना, आज तो कर दिया है, अगर आंधा को किया तो मेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा, हो सकता है तुम भी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाओ। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कुछ भी नहीं सुनना चाहता है, जो कि ये एक रियलिटी है, क्योंकि दोस्तों इस समय पूरे ज्यादा गुस्से में और पूरे ज्यादा नखरे में नजर आ रहा है आखिरकार करण। वहीं पे बात की जाए तो करण अपने बेटे से भी बहुत ज्यादा नाराज है सौर्य से, क्योंकि दोस्तों सौर्य की हरकतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उसकी हरकतें थोड़ी गंदी नहीं बल्कि इस समय सबसे ज्यादा गंदी नजर आ रही हैं, क्योंकि सौर्य हमेशा से ही अपनी मालदारी का गरूर सभी लोगों के सामने दिखाता है, वो ही चीज इस समय पसंद नहीं है करण को। करण का मानना यह है कि जो सौर्य करता है वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि वो आखिर करता किस चीज़ के ऊपर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो खाली अपने बाप के नाम पर ही कूदता हुआ नजर आता है। जी हाँ, करण लूथरा के उस पर, और करण लूथरा इतना सज्जन व्यक्ति है कि वो हमेशा से ही हर किसी का मान और सम्मान करता हुआ नजर आता है। करण का मानना यह है कि किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं सोचना चाहिए, इंसान इंसान ही होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटा है या बड़ा है, सिर्फ उसकी इज्जत और रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आप लोग जानते ही हैं कि समय सभी लोगों का मानना यह है कि जल्द से जल्द आखिरकार, क्योंकि पलकी के घर के का मानना यह है कि पलकी की शादी आखिरकार हो इस समय तो किसी और से नहीं बल्कि इस समय शादी हो जाए आखिरकार इधर राजवीर के साथ में। लेकिन दोस्तों राजवीर अभी शादी के मूड में नहीं है, क्योंकि राजवीर को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राजवीर एक ऐसा सेलिब्रिटी बन चुका है जो अपने दम पर खुद जीना चाहता है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस थैंक यू सो मच।